बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। और आज बोलना है हमारा एनबीएफसी बैंक या बैंकों की लोन वसूली के बारे में। हम जायज लोन वसूली के बारे में बात नहीं कर रहे, हम उस लोन वसूली की बात कर रहे हैं जो पूरी तरीके से इलीगल तरीके से की जाती है, जहां लोन डिफॉल्टर को हरेसमेंट किया जाता है और इसी हरेसमेंट के कारण कई कर्जदार अपने जीवन को त्याग चुके हैं। और इसी कारण हमारे चैनल पर लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में बात की जाती है। एक आम व्यक्ति जब कोई लोन लेता है ना, तो लोन लेने से पहले वह लोन के रीपेमेंट को सोचता है, लेकिन इस 2000 के बाद में एनबीएफसी कंपनियों की इतनी बाढ़ सी लग गई कि आपस में इतना कंपटीशन होने लगा कि इन्होंने ये देखना तक मुनासिब नहीं समझा कि इंसान कमा क्या रहा है, बस इंसान का सिविल रिकॉर्ड देखो और उसको लोन चिपका दो, चाहे वह लोन भर पाए या नहीं भर पाए। हर व्यक्ति के पैन कार्ड से सिविल ट्रैक की जा सकती है और देखा जा सकता है कि उस व्यक्ति के नाम पे कितने क्रेडिट कार्ड है, कितने पर्सनल लोन है, कितने बिजनेस लोन है, कितने प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन है। उसके बावजूद भी लोग मल्टीपल लोन में फंसे रहे, इस तरीके से ऑफर पे ऑफर दिए जाकर लोगों को लोन दिया जाता है। एक हद तक एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को भरने के लिए तीसरा, तीसरे को भरने के लिए चौथा, यह करते करते न जाने इंसान कब कर्ज के दलदल में फंस जाता है, उसे मालूम ही नहीं पड़ता है और शुरू हो जाता है उत्पीड़न का दौर, प्रताड़नाओं का दौर, मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाओं का दौर। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम साथियों से जिनके ऊपर मल्टीपल लोन है, जो मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं और आज स्थिति उनकी ऐसी है कि उनकी आमदनी से उनकी ईएमआई दो गुना हो चुकी है, वह खाए क्या और भरे क्या, यह स्थिति उनकी चल रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब कोई व्यक्ति मल्टीपल लोन का शिकार हो जाता है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो वह आत्मदाह करने की सोचता है, लेकिन यह विकल्प नहीं है, यह विकल्प नहीं है। और यही कारण है कि यह हमारा जागरूकता वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लोन डिफॉल्ट से के मैटर में बैंक एनबीएफसी क्या क्या कार्रवाई करता है, लीगल डिपार्टमेंट के नाम पर, आर्बिट्रेटर के नाम पर, लोन रिकवरी के नाम पर, कोर्ट वकील और पुलिस के नाम पर। आज उसी का पोस्टमार्टम करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं लीगल डिपार्टमेंट की। साथियों, जब आप लोन डिफॉल्ट कर जाते हो, आप एक दो तीन ईएमआई डिफॉल्ट कर जाते हो, लोन एनपी हो जाता है, तो एनबीएफसी कंपनी येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर नीति से अपना पैसा निकालना चाहती है। वह कानूनी हथकंडों का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है और लोगों को इस हद तक ले आती है कि लोग आत्मदाह करने को मजबूर हो जाते हैं। और उसमें पहला नाम है लीगल डिपार्टमेंट। अब लीगल डिपार्टमेंट शब्द सुनते ही कितना अलग लगता है। लीगल यानी कि विधि, डिपार्टमेंट मतलब विभाग, विधि विभाग। अब जब किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट होता है, उसको फोन आता है कि हम लीगल डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और हमारे पास आपकी कंप्लेंट आई है। मैं आम व्यक्ति को बताना चाहता हूं कि लोन रिकवरी के मैटर में एनबीएफसी के मामले में कोई लीगल डिपार्टमेंट नहीं होता है, कोई लीगल डिपार्टमेंट नहीं होता है। यह होता है, लीगल डिपार्टमेंट का अर्थ समझिए, विधि विभाग। यानी कि अगर इनकी कोई लीगल टीम है ना, जो कि लोन वसूली का काम करती है, उसको हम लीगल डिपार्टमेंट नहीं कह सकते हैं। लेकिन लीगल डिपार्टमेंट का शब्द इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें सरकार और कोर्ट की झलक मिले। आप आश्चर्य होंगे, मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको कि हमारे एक दर्शक साथी को एक व्हाट्सएप आया। व्हाट्सएप आप इस फोन पे भी देख पा रहे होंगे, खैर मेरी डिस्प्ले ब्रेक है, मैं अभी इसको यहां पर डिस्प्ले पर भी साझा करूंगा, जहां भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ बना हुआ है, जहां पर ऊपर लिखा गया है फाइनल नोटिस बिफोर लीगल एक्शन बाय लीगल डिपार्टमेंट, और नीचे छाप लगी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लिखा क्या है, नोटरी। अब नोटरी कौन होते हैं,
नोटरी एडवोकेट होते हैं। अब एडवोकेट अगर है तो उसके तरीके से न तो कोई साइन है न उसका कोई तरीका है, और नीचे लिख दिया मेंबर, साइन करके नीचे लिख दिया अशोक रावत करके मेंबर लिख दिया, और एक तरफ साइन कर दिए दूसरे मेंबर के, और इसमें लिखा क्या थोड़ा सुनना। डियर कस्टमर, एज यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग फॉर कॉल एंड मेल्स, वी हैव डिसाइडेड दैट यू आर द फ्रॉड कस्टमर एंड इश्यूइंग लीगल नोटिस टू योर होम एड्रेस एंड लीगल डिपार्टमेंट विल विजिट योर होम एंड विल रिकवर द लोन अमाउंट ऑफेंस, यू विल विजिट योर होम फॉर वेरिफिकेशन, कंपनी इज टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन एंड विल फॉर वर्किंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एड्रेस एंड पेन डिटेल नियर पुलिस स्टेशन फॉर लीगल इंक्वायरीज एंड नोटिस, देन लीगल नोटिस विल बी इश्यूड 48 to 24 hours, पुलिस इंस्पेक्शन विल डन विद एन इवनिंग इज ए लीगल नोटिस इश्यूड, सो प्लीज काइंडली अटेंड फॉर लोकल पुलिस स्टेशन रिगार्ड लीगल डिपार्टमेंट, और फिर नीचे लिखा रिकवरी, सो पे द अमाउंट बिफोर 24 hours। अब यहां लिखी है खुली धमकी, अशोक स्तंभ बनाकर भारत के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करके ये लीगल नोटिस बनाया है जो फर्जी है, और ऐसे लीगल नोटिस पे है ना कोई आपको भेजे ना उसके खिलाफ सीधी पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराओ, सीधी पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराओ। कारण कि अशोक स्तंभ का इस्तेमाल किस तरीके से उन लोगों ने यूज किया, अगर कोई लीगल नोटिस भेजता तो उसके ऊपर एड्रेस होता, और 48 आवर्स का कोई भी नोटिस नहीं आता है। कोई भी वकील साहब जो कि वास्तव में प्रैक्टिस करते हैं, यदि वो भी आपको नोटिस भेजेंगे ना तो मिनिमम 15 डेज का होता है, 48 आवर्स का कोई नोटिस नहीं होता है। तो स्पष्ट रूप से टोटल फर्जीवाड़ा। इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि एक एनबीएफसी कंपनी ने पार्टी को क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में नोटिस भेजा कि उदयपुर के पुलिस कमिश्नर को उन्होंने लेटर बना के भेजा है कि आप इस मैटर में एफआईआर दर्ज करें और हमारी कंपनी के अधिकारी इनके बयान लें और उस व्यक्ति को अरेस्ट करें। अब बेचारे उस एनबीएफसी कंपनी के लिए रिकवरी वाले को मालूम ही नहीं कि उदयपुर में पुलिस कमिश्नर नहीं बैठते हैं, यहां तो एसपी बैठते हैं, लेकिन उनके पास एक फिक्स फॉर्मेट है, करें क्या? और क्या पुलिस कमिश्नर एसपी या पुलिस इनके क्या खरीदे हुए हैं, क्या इनके लिए काम करते हैं? पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, न कि इन मामलों के अंदर इनका काम करना। तो लीगल डिपार्टमेंट के नाम पर, एफआईआर के नाम पर जो इस तरीके के फर्जी नोटिस आते हैं ना, उनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, बीच में एक बात याद आ रही है कि मेरे एक क्लाइंट है उदयपुर के, उनको एक फोन आया था साइबर क्राइम दिल्ली से, खुद को बताया उन्होंने और कहा कि आपके नाम का पार्सल है जिसमें कि 3-4 पासपोर्ट और करीब 200 ग्राम एमडी पकड़ी गई है, अब इस मैटर में क्या करना चाहते हो, यानी कि साइबर फ्रॉड। अब नाम क्या? साइबर पुलिस स्टेशन दिल्ली से, यानी साइबर क्राइम से फोन। तो सीधी सी बात है, अगर साइबर क्राइम को कार्रवाई करनी तो एफआईआर दर्ज करें। ये फर्जी कॉल से, फर्जी नोटिसेस से आपको सावधान रहने की जरूरत है। और एक बात हमेशा कहता हूं कि अननोन व्हाट्सएप कॉल कभी मत उठाओ, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे। तो ऐसा कोई लीगल डिपार्टमेंट सरकार का नहीं है जो आपको इस तरीके के फर्जी नोटिस भेजे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा कोई फर्जी नोटिस भेजता है जिस नंबर से भेजता है ना, 1930 नंबर पे फोन करके आप कंप्लेंट दर्ज कराओ उस मोबाइल नंबर की, उस ईमेल आईडी की जो ऐसा काम करते हैं। एक बात और कह दूं मैं आपको, सच्ची बात तो ये है कि ये काम एनबीएफसी भी कंपनी भी नहीं करती है। एनबीएफसी कंपनी के जो कलेक्शन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं ना, वो ये न केन प्रकार साम धाम दंड भेद हर नीति से पैसा रिकवर करना चाहते हैं, और इसीलिए वो ऐसी चीजें करते हैं। तो यहां आपको अवेयर होने की जरूरत है कि कोई ऐसा लीगल डिपार्टमेंट नहीं है जो आपको नोटिस भेजेगा। अब आते हैं पुलिस की भूमिका, लोन वसूली में पुलिस की भूमिका क्या है। तो आपको बता दूं, यदि आपने लोन लेते समय कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं दिए, कोई फेक रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है, तो आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। न पुलिस आपको फोन करेगी,
न कहेगी कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, न कहेगी कंपनी के वकील साहब से बात कर लो। बड़ा पुराना तरीका हो गया ये, पर आज भी वो कलेक्शन वाले ये तरीके भूल नहीं पा रहे, दिमाग से निकल नहीं रहे, नया आइडियाज आते नहीं है विचारों को। तो कोई पुलिस वाला कभी आपको फोन नहीं करेगा। ये बात जरूर है कि जब सेक्शन 25 138 NIH का प्रोसेस होता है तो उस कंडीशन में सेक्शन 25 और 138 NIH के नोटिस की तामील पुलिस द्वारा कराई जाती है, ये बात हम आपको कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी ये बात ध्यान रखिए, पुलिस को ये भी मालूम नहीं होता है, वो केवल अनुमान देखती है। जैसे मान लो बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस वर्सेज रामकृष्ण, अब बजाज फाइनेंस ने कौन सा केस किया है, कितनी राशि का किया है, क्या मामला है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको केवल समन की सर्विसेज करानी है या BW सर्व करना है, बस। इसके हाथ में पुलिस का काम नहीं है। और वैसे भी आपको बता दूं, ये लोन डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है, यह केवल एक सिविल डिफॉल्ट है जिसके लिए FIR दर्ज नहीं होती है। तो कोई भी आपको फोन करता है, उसके व्हाट्सएप पे अगर आप देखते हो ना, पुलिस के सितारे लगे हुए हैं, उसकी नेम प्लेट लगी हुई है, और आप डर जाते हो, वो पक्का चोर है, लुटेरा है, डकैत है, गुंडा है, मवाली है, बस इससे बढ़कर नहीं है। अगर कोई पुलिस के नाम से फोन करता है, उनको कहना आप तो आ जाओ, मैं घर पे ही मिलूंगा, या फिर आपका पुलिस स्टेशन का मुझे एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं ऑनलाइन वहां का लैंडलाइन नंबर सर्च करके बात करता हूं कि कौन सा FIR नंबर है या कौन सा कंप्लेन नंबर है, मुझे बता दीजिए, बोलती बंद हो जाएगी। जब कोई कहे कि मैं पुलिस अधिकारी हूं, तो पूछिए आपका नाम क्या है, पदनाम क्या है, मेरे खिलाफ क्या रिपोर्ट है, FIR नंबर क्या है, कंप्लेन नंबर क्या है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, ठीक है मैं आता हूं पुलिस स्टेशन। या फिर आप ये कह दीजिए कि मेरे मिलने वाले उसी पुलिस स्टेशन के पास में रहते हैं, मैं उनको कल भेजता हूं, आप कल कितने बजे मिलेंगे, बोलती बंद हो जाएगी जनाब की। तो ये थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा। इसके बाद भूमिका आती है वकील की। कई लोग कहते हैं हमको वकील का फोन आया और वकील ने हमको डराया धमकाया। सर, वकील का काम डराना धमकाना नहीं है, वकील का काम पैरवी करना है अपने पक्षकारों के लिए, अपने पक्षकारों की ओर से। वकील का काम यदि करना होगा तो आपको लीगल नोटिस भेजेगा, कोर्ट केस फाइल करेगा, दूसरा कुछ नहीं। अगर कोई फोन करके कहता है कि मैं एडवोकेट बोल रहा हूं, तो उनको एक बात कही है कि आप एडवोकेट बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं और कौन सी बार काउंसिल से आप रजिस्टर्ड है, आपका एनरोलमेंट नंबर बताइए और आपका आई कार्ड भेजिए, मैं ऑनलाइन सर्च करूंगा, क्योंकि हर बार काउंसिल पर के वेबसाइट पर सारे एडवोकेट के रिकॉर्ड होता है। तो जाहिर सी बात है, अब आप देखते हो ट्रू कॉलर पे पुलिस का नाम आ गया, वकील का नाम आ गया, आपने सोच लिया ये वकील है। ये केवल फर्जी है जो वकीलों के नाम को बदनाम करते हैं। हमारे उदयपुर के नाम पर कुछ यूपी के युवाओं को, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स में लिखेंगे, उन युवाओं को डाटा एंट्री फ्रॉड के मैटर में नोटिस भेजा गया उदयपुर के नाम से। उन युवाओं ने उदयपुर सर्च किया, मेरा वीडियो देखा, मुझे फोन किया कि सर हमें एक नोटिस आया। मैंने कहा नोटिस भेजो, तो देखा कि नोटिस के अंदर जो FIR लिखने का तरीका है ना, वो भी उनको नहीं आता है। यानी FIR नंबर भी इस तरीके से लिखे कोई रेफरेंसेस लेटर जारी कर रहे हो, और एड्रेस लिखा न्याय मार्ग उदयपुर, बस। उदयपुर में 4000 वकील रजिस्टर्ड है, लेकिन उसमें वो वकील साहब थे ही नहीं। और जब हमने उन वकील साहब को फोन किया तो वकील साहब ने हमारा फोन ही नहीं उठाया। क्यों? सीधी सी बात है, जंगल के अंदर कोई व्यक्ति अगर शेर की खाल पहन के घूमेगा और अचानक से अगर उसको सामने शेर आता दिखाई दिया, तो जाहिर सी बात है उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। तो जब हमने उन वकील साहब को फोन किया तो उन वकील साहब ने फोन नहीं उठाया। उन वकील साहब को हमने टेक्स्ट मैसेज किए कि हमारा फोन उठाओ, हमें बात करनी है आपसे, आप कौन से वकील हैं, हम भी तो जाने, लेकिन रिप्लाई भी नहीं आया। और उन युवाओं को मैंने फोन करके कहा किसी को चवन नहीं देने की जरूरत नहीं है, बोल देना एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने कहा है। तो ऐसे ऐसे फर्जीवाड़े वकीलों के नाम पर, पुलिस के नाम पर हो रहे, जिससे आपको अवेयर रखने की जरूरत है। वकील का काम किसी के लोन की रिकवरी करना नहीं है, किसी के बाप का नौकर नहीं है, NIFC कंपनी का नौकर नहीं है कोई एडवोकेट। अगर नौकरी पर रखे होंगे ना, तो किसी लॉ ग्रेजुएट बच्चों को रखा होगा, वो एक अलग बात है, वकील को नौकरी पर रखे ये औकात नहीं है क्या? तो ये बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब साथियों, एक बात कह रहा हूं, कोर्ट
हमारे घर पे नोटिस आया और हम देख रहे हैं ये कोर्ट का नोटिस है। मैं आपको बताऊं कि आपने बीच में अखबार में पढ़ा था सीबीआई और ईडी तक के फर्जी नोटिस बन रहे हैं, कोर्टों के भी फर्जी नोटिस बन रहे हैं। जब कोर्ट के नाम का कोई नोटिस आए ना तो आपको अपने एक्सपर्ट एडवोकेट को दिखाना है। वो एक्सपर्ट एडवोकेट आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, आपके घर के पास का भी हो सकता है, उनको नोटिस दिखाए। वो नोटिस देख के आपको बता देंगे नोटिस असल है कि फेक है। एक बात और कहना चाहूंगा कि लोन डिफॉल्ट से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, इस चैनल पर विजिट कीजिए, आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप बात करना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, डायरेक्ट कॉल न करें, आप पहले कॉल बुक कराएं। कॉल बुक करने के बाद आपको फोन आएगा, आपकी सारी डिटेल सुनी जाएगी और आपको एक अच्छा सजेशन दिया जाएगा जो आपको मुसीबतों से बाहर निकालेगा। तो साथियों, जब कोर्ट का कोई नोटिस आता है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं इग्नोर करो, लेकिन पता लगाओ कोर्ट का नोटिस है भी नहीं है कि इन्होंने फर्जी नोटिस तैयार कर दिए। ये रिकवरी एजेंट जो है ना वो मास्टर है, चालू आइटम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब आती है बारी कोर्ट के नोटिस की, बता दी मैंने। कोर्ट में भी आपको सेक्शन 25 का 138 एनआई एक्ट का अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में और सिविल कोर्ट का नोटिस आ सकता है, तो उसके बारे में भी आप राय मशवरा अपने एडवोकेट से कर सकते हैं। अब बात आती है लोक अदालत की, राष्ट्रीय लोक अदालत, जहां बैंक लोक अदालत के सामने अपनी फाइल रखती है और कहती है कि वह इस मामले का निस्तारण करना चाहती है। लोक अदालत से आपको नोटिस आता है और आप लोक अदालत का नोटिस देते हो और सोचते हो मैं क्या करूं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो साथियों, मैं यहां पे क्लियर कहना चाहूंगा, यदि आपका लोन है, आपको नोटिस आया है, आप जाना चाहते हैं, आप बशर्ते जाए, लेकिन आप इसी तरीके के साथ जाए कि यदि आपका लोन है, यदि आप निपटा सकते हो तो जाए, यदि वहां जाकर कुछ सेटलमेंट कर सकते हो और आपको लगता है कि पैसा कम करवा सकता हूं तो जाए। यदि लोक अदालत में जाते हो और मामले को डिस्पोजल कराते हो तो दी बेस्ट है। बाकी अगर आप यह सोच रहे हो कि मैं लोक अदालत में जाकर जज साहब के सामने जाकर हाथ जोड़ूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनसे कहूंगा कि साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं गरीब आदमी हूं, 5 लाख का लोन है, मैं नहीं भर सकता हूं, 50,000 में सेटलमेंट करवा दीजिए। जज साहब के पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि वह सामने वाले को कहे कि भाई 50,000 में तो इसको निपट ले। पैसा होगा, बात आप दोनों पक्षकारों को करनी पड़ेगी, दोनों पक्षकारों की बात जमी तो मुद्दा वही खत्म, और नहीं भी जाओगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपके खिलाफ आदेश नहीं हो जाएगा, पत्रावली डिस्पोज हो जाएगी। लोक अदालत में न किसी की जीत न किसी की हार होती है, तो ये बात आपको जानना जरूरी है। इसके बारे में भी अगर आप विस्तार से बात करना चाहो तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आर्बिट्रेटर की। आर्बिट्रेटर के नाम का तो आतंक फैला रखा है इन एनबीएफसी कंपनियों ने। आपने अभी मेरा कल का वीडियो देखा होगा, जिस वीडियो का टाइटल था आर्बिट्रेशन खल्लास, यानी कि एक आर्बिट्रेटर महोदय ने अपना आर्बिट्रेटर का नोटिस भेज दिया। अब उस नोटिस का जवाब उन्हीं आर्बिट्रेटर महोदय के एड्रेस पे भेजा तो लिखा हुआ आया कि यहां पे तो कोई है ही नहीं, यानी कि हवा में आर्बिट्रेटर हो रहे हैं। कंपनियां आर्बिट्रेटर की धज्जियां उड़ा रही है, आर्बिट्रेटर एक्ट की, आर्बिट्रेशन एक्ट की धज्जियां उड़ाती जा रही है। हम नहीं करना चाहते वीडियो कॉन्फ्रेंस, हम नहीं करना चाहते जूम मीटिंग, हम डायरेक्ट लेटर भेजेंगे। अगर ऐसा होता कि हर चीज ऑनलाइन होने लगती ना तो कोर्टों की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा हमारे एक दर्शक ने जो जिसको कि आर्बिट्रेटर का नोटिस आया था, बजाज फाइनेंस का मैटर था, जब उन्होंने रिप्लाई दिया आर्बिट्रेटर को, अब मामला कहां है, पटियाला हाउस दिल्ली का, चैंबर नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है आर्बिट्रेटर महोदय का, लेकिन वहां लेटर गया ना तो वहां कोई नहीं मिला। यानी कि ये केवल हवाई फायर कर रहे हैं, लग गया तो ठीक है। इसीलिए आपको यदि आर्बिट्रेटर का कोई भी प्री आर्बिट्रेटर का नोटिस आए, आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, तो आपको उसी समय आपत्ति तैयार करनी है। मेल तो करो, रजिस्टर्ड पोस्ट करो, और रजिस्टर्ड पोस्ट करने के बाद यदि लिफाफा लौट के आता है ना तो संभाल के रखो, और उसके बाद भी आर्बिट्रेटर अवार्ड पास कर देना तो उड़ जाएगा, सीधे खारिज होंगे। क्योंकि आपने अगर तरीके से आपत्ति बना के भेजी है, आपने कानूनी तथ्यों को यदि अपने रिकॉर्ड पे लिया है और अगर आपत्ति बना के भेजोगे तो आर्बिट्रेटर चल नहीं पाएगा। दो पक्षों की सहमति चाहिए, क्षेत्राधिकार चाहिए,
टर्म एंड कंडीशन है उसके, ऑब्जेक्शन का आपका अधिकार है, वो ऑब्जेक्शन भी गया, उसको अगर रिकॉर्ड पे लिया या नहीं लिया, दोनों ही स्थितियों में अगर उन्होंने कारगर काम नहीं किया तो उनका आर्बिट्रेशन का अवार्ड चाहे 17 लाख का हो 20 लाख का हो जीरो हो जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। इसके लिए कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिनमें चीजों को क्लियर किया गया है। तो साथियों इस प्रकार आर्बिट्रेटर की जो भूमिका है ना वह भी संदेहास्पद होती जा रही है। अगर आर्बिट्रेटर है तो तरीके से रजिस्टर्ड पोस्ट करे, रजिस्टर्ड पोस्ट से डाक भेजे, रजिस्टर्ड मतलब अपने एड्रेस पे मौजूद रहे, अरे खुद मौजूद नहीं स्टाफ तो मौजूद रहे जो कम से कम डाक रिसीव करे, खुद का इन्वर्ट रजिस्टर्ड रखे। लेकिन नहीं, इनको तो केवल टेक्स्ट मैसेज पे लिंक भेजना है, मेल कर देना है, मेल पे उत्तर ले लेना है और जूम मीटिंग का ऑप्शन दे देना है और बताना है कि पार्टी उपस्थित नहीं हुई, एक्स पार्टी अवार्ड, मजाक समझ के रख दिया है मजाक। अगर ऐसा ही चलता रहा ना ये आर्बिट्रेशन भी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी आर्बिट्रेशन एक्ट खत्म हो जाएगा अगर इस तरीके से करते रहे, क्योंकि पूरी तरीके से कानून का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है। एक तारीख का नोटिस जारी करेंगे, 7 तारीख को जवाब मांगेंगे, भाई जी का राज है। अरे भाई जवाब देने के लिए इंसान को पर्याप्त समय दिया जाता है, कोर्टों में जब हमारी कोई फाइल होती है और जब तामील में होती है तो कोर्ट से हमको 2-2, 2.5-2, 3-3, 4-4 महीने तक की तारीख मिलती है ताकि सामने वाले को नोटिस प्रॉपर सर्व हो, वह अपने बचाव में अपनी तैयारी कर सके और वह उपस्थित हो सके। लेकिन नहीं, हम तो वडोदरा के हैं और हमको आर्बिट्रेटर साहब अपॉइंट कर दिए चेन्नई में, 1700 किलोमीटर दूर अपॉइंट करेंगे ताकि हम वहां जा ही नहीं पाए, और किसी तरह पहुंच गए तो भी हमारे पक्ष में कुछ होना ही नहीं है। कौन सा ऐसा बैंक आर्बिट्रेटर है, रिप्लाई करें मेरे कमेंट्स में, जिसने 10 डिसीजन भी बैंक के खिलाफ दिए, जब खारिज किया उसने, नहीं मिलेगा क्योंकि उनको अपने आर्बिट्रेशन की कॉस्ट लिखनी है। तो ऐसे आर्बिट्रेटर चलेंगे भी नहीं, ऐसे अवार्ड खारिज होंगे साथियों। तो ये सारी बातें हैं, मतलब कुल मिला के यदि आपके पास पैसा है ना तो आप लोन डिफॉल्टर हो तो उनको सेटलमेंट करके चुका दो, और पैसा नहीं है तो क्या करोगे, सुसाइड करना विकल्प नहीं है, रास्ता नहीं है ये। और दूसरी बात, अगर आपका लोन एनपीए हो रहा है ना तो जरूरी नहीं है कि आप किसी प्रोसेस का वेट करो, आप खुद भी उनको प्री नोटिस भेज सकते हो, अपने सारे चीजों का हवाला देते हुए आप लोन मोरेटोरियम, लोन रिस्ट्रक्चर की मांग कर सकते हो और ये आपका अधिकार है जो आपको करना चाहिए। साथ ही इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पे दी जाती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और यदि आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार, साथी, दोस्त अगर लोन के दलदल में फंस चुका है और जीवन को समाप्त करने की सोच रहा है ना तो एक बार, सिर्फ एक बार हमारे वीडियो का लिंक उसको जरूर भेजें। हम नहीं कहते कोई कॉल बुक कराए, हम नहीं कहते कोई कंसल्टेंसी करें, लेकिन अगर हमारे सारे वीडियो, यदि एक लोन डिफॉल्टर जो कि हैरान परेशान है प्रताड़ित है, यदि हमारे सारे वीडियो 50 से 100 होंगे ज्यादा नहीं है, अगर वो सारे वीडियो एक व्यक्ति देख लेगा ना उसके मन का कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप हो जाएगा कि वो लोन के मामले में अपना जवाब दे सकता है, इन मामलों को लीड कर सकता है और उसके बाद अपने जीवन की नई शुरुआत करके वह पुनः एक बार फिर खड़ा हो सकता है। साथियों एक बार फिर कहता हूं, जब भी कोई नोटिस आए खुद वकील मत बनो, एक एक्सपर्ट एडवोकेट की राय ले, हमसे बात करना चाहते हैं कॉल बुक करें, अपने एरिया के एडवोकेट से मिलना चाहते हैं एरिया के एडवोकेट से मिले। हमने देखा है कई लोग अपने लोकल एडवोकेट से मिलना नहीं चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि उनके सामने जाके कहूंगा मैं शर्मिंदा होऊंगा, तो ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन एडवोकेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। साथियों लगातार पिछले 1.5 माह से हमारे द्वारा यूट्यूब और फेसबुक पर लोन डिफॉल्ट के हक और अधिकारों के बारे में बात की गई है और बेबाक बोल के साथ हमने आर्बिट्रेशन के खिलाफ भी बोला है, क्योंकि बोलना जरूरी है, लाजमी है, क्योंकि कोई अगर विधि में दिए गए प्रावधानों के विपरीत जाकर, कोई कानून को धता बताकर यदि काम करेगा और यदि हम वहां चुप रहे, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। तो साथियों इस बेबाक आवाज को जरूरत है आपके शेयर की, आपके जितने भी साथी हैं उन साथियों को ये वीडियो जरूर शेयर करें और यदि वैल्यूएबल कमेंट कर सकते हो तो करें। कई लोग फोन करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सर आपका मोबाइल नंबर बताइए। अरे भाई वीडियो देखो तो सही, वीडियो सुनो तो सही, उसके बाद ही बातें किया करो, हमें भी अच्छा लगेगा। बने रहे इसी चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।